अब एक नई परंपरा चली है। परंपरा क्या? माताएं एक प्लास्टिक की डलिया या लकड़ी की डलिया जो भी हो, एक डलिया लेके उसमें लड्डू गोपाल जी धर लेती हैं और घुमाती हैं उनको सब जगह। उसी से होटल में खाना पीना भी हो जाता है। और हमने आंखों से देखा है, गोपाल जी की डलिया में चॉकलेट पड़े हुए हैं और उसका बिस्कुट के पुड़ा पड़े हुए हैं। अरे भाई ठीक है, तुम उनको अपना बालक मानती हो मानो, पर एक बात हम आपसे पूछते हैं, आप बालक उनको मानती हैं पर वो जगत पिता परमात्मा है कि नहीं? भगवान न होते तो आप उनके प्रति भक्ति क्यों करती? भगवान है इसलिए आप उनके प्रति भक्ति करती हैं। तो जब भगवान है आप भक्ति करती हैं, तो भगवान की जो सेवा पूजा की मर्यादा है उस सेवा पूजा की मर्यादा को भी आपको मानना चाहिए। इस तरह से ठाकुर जी को तमाशा बना के डुलाना, डलिया में लेके घुमाना, झूठे सखरे का शुद्धि शुद्धि का बिल्कुल भी विचार न करना, इस नाटक से कोई बात बनने वाली नहीं है। घर में ठाकुर जी को भाव से रखो, पवित्रता से रखो, घर की रसोई में जो चीज, भगवान को जो वस्तु भोग लग सकती है वही वस्तु भगवान को निवेदित की जाएगी। आप कहो कि कोको कोला भी पिला दें भगवान को और चॉकलेट भी खिला दें और क्या क्या नहीं बिस्कुट भी खिला दें, तो भैया भगवान विशुद्ध भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय के दूध दही घी से पवित्रता पूर्वक बनाए हुए जो भारतीय व्यंजन है उन्हीं को आप भोग लगा सकते हैं। ठाकुर जी को चाहे जैसी वस्तु दुकान की आप भोग नहीं लगा सकते, भाव है तो भाव आप धरे रहो अपने पास, उसको भाव को दिखाते क्यों हो?